is my pleasure to now please ask Prashant Bhushan ji to give his remarks. Prashant Bhushan does not need an introduction. He is one of India's finest leading human rights lawyers and always, always on the right side of justice. Prashant Bhushan. आज उमर खालिद के अरेस्ट हुए एक साल हो गए और एनटीसीए प्रोटेस्ट के करीब करीब पौने दो साल हो गए। जैसा सिद्धार्थ ने बताया कि एनटीसीए प्रोटेस्ट एक एग्जेम्पलरी प्रोटेस्ट जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई हैंड नहीं था, जिसमें दादियों ने खासकर महिलाओं ने बढ़कर अगुवाई करी और जिसमें इस देश के बहुत बढ़िया उमर खालिद जैसे, नताशा नरवाल जैसी, देवंगना खालिद जैसी बहुत जिनको हम कहते हैं सबसे पब्लिक स्पिरिटेड यूथ ने उस प्रोटेस्ट की मदद करी। ये प्रोटेस्ट एग्जेम्पलरी कई मायने में थे। एक तो ये कि बिल्कुल नॉन वायलेंट थे, दूसरा इसमें संविधान को पढ़ा जा रहा था, संविधान लोगों को, यंग बच्चों को संविधान का मतलब समझाया जा रहा था, प्रीएम्बल पढ़ा जा रहा था सब जगह। और ये प्रोटेस्ट थे एक ऐसे कानून के खिलाफ जो कई मायने में संविधान के खिलाफ था। देखिए, पहली बात तो ये जो एनटीसीए का कानून है ये एनआरसी से जुड़ा हुआ है और अमित शाह ने ये बात बार बार दोहराई कि ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। उन्होंने बोला हम पहले एनआरसी लाएंगे फिर सीएए का इस्तेमाल करेंगे, मतलब, और ये खुल के बोला उन्होंने, बंगाल वगैरह में खुल के ये बात बोली कि एनआरसी से तो हम जो फॉरेनर्स जो उनके माइंड में मुसलमान उनको हम बाहर करेंगे, उनको सिटीजंस रजिस्टर से बाहर करेंगे और फिर अगर कोई हिंदू या नॉन मुसलमान लोग छूट गए उनको हम सीएए के द्वारा वापस ले आएंगे। क्योंकि सीएए का कानून तीन तरह से डिस्क्रिमिनेटरी था। पहला उसमें यह लिखा था कि हम सिर्फ तीन देशों के रिफ्यूजीज को हिंदुस्तान में सिटीजनशिप देंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आए हैं। अरे, श्रीलंका से इतने रेफ्यूजी आए हैं उनको क्यों नहीं, म्यांमार से आए हैं उनको क्यों नहीं। फिर उसमें लिखा था कि जो लोग रिलीजियस परसिक्यूशन से आए हैं सिर्फ उन्हीं को देंगे। अरे, म्यांमार से एथनिक परसिक्यूशन से आए हैं, श्रीलंका में भी एथनिक परसिक्यूशन से आए हैं श्रीलंका से, उनको क्यों नहीं। दूसरे देशों में से भी एथनिक परसिक्यूशन से आए हैं उनको क्यों नहीं। और फिर उसमें ये लिखा था कि हम सिर्फ गैर मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं उन्हीं को सिटीजनशिप देंगे। तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ था, डिस्क्रिमिनेटरी था और इसलिए ये प्रोटेस्ट हुए क्योंकि खेल सबको समझ में आ रहा था। हमने देखा था कि एनआरसी का आसाम में क्या हुआ, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास ये सब दस्तावेज नहीं होते उनसे कहा जा रहा था कि तुम सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ, तुम वो लेकर आओ। कितने लोगों के पास वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग उससे छूट गए। खैर, आसाम में तो हिंदू भी छूट गए, मुस्लिम भी छूट गए। ये सब देखने के बाद भाजपा ने ये चाल चली कि अच्छा, अब हम सीएए लाएंगे जिससे कि जो हिंदू छूट जाएंगे उनको हम वापस सिटीजनशिप दे सके, कम से कम ये एश्योरेंस दे सके। तो और उसके बाद इन लोगों ने ये कपिल मिश्रा और ये ठाकुर, इन लोगों ने बिल्कुल वीडियो पर, टीवी पर ऐसे ऐसे भड़काव भाषण दिए कि गोली मारो सालों को वगैरह वगैरह, जो कि बिल्कुल क्लियरली विजिबल है दंगा भड़काने के लिए। और दंगा भड़काने के भी, दंगे भड़काना और पार्टिसिपेट करने के भी वीडियोस अवेलेबल हैं।
और पुलिस का भी रोल उनमें दिख रहा है। ये पुलिस वाले भी एक बेचारा जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको मार रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। ये पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे, लेकिन उसके बाद वही पुलिस जो दंगाइयों की मदद करती है, जो हमला करती है बिल्कुल इनोसेंट लोगों पे, वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब पुलिस रिफॉर्म्स का जजमेंट दिया था तो बोला था कि कई तरह के पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसमें एक पार्ट ये भी था कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रहे हैं वो कई बार उन्हीं ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं और फिर वही पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करे, और यही हुआ यहाँ पर। और इस तरह से उमर खालिद या नताशा नरवाल जैसे बिल्कुल हिंदुस्तान के सबसे फाइनेस्ट पब्लिक स्पिरिटेड एक्टिविस्ट, इनको टारगेट किया गया और मुसलमानों को टारगेट किया गया। लगता है, बिल्कुल क्लियरली लगता है कि पुलिस को जो ब्रीफ दी गई थी वो एकदम क्लियर थी कि सबसे पहले तुम इन एक्टिविस्ट को टारगेट करो जिन्होंने इन प्रोटेस्ट को मदद दी या किसी तरह से भी उसको हेल्प किया, और फिर तुम मुसलमानों को टारगेट करो जिससे कि हम ये कह सके कि मुसलमानों ने यह दंगा कराया। इसीलिए योगेंद्र यादव ने बोला था कि यह पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं था, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कॉन्स्पिरेसी, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी टू फ्रेम इनोसेंट पीपल एंड अलाउ द गिल्टी टू गो स्कॉट फ्री इन द गाइज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। ये हुआ है यहाँ पर, और इसीलिए अभी तो खैर बहुत सारे दिल्ली के कोर्ट्स ने कम से कम 20 जजमेंट्स या ऑर्डर्स ऐसे आए हैं जिससे कि दिल्ली पुलिस की पोल खुलती चली जा रही है। बार बार दिल्ली के कोर्ट्स ने ये आदेश दिए हैं कि भाई ये क्या इन्वेस्टिगेशन तुम लोगों ने किया, बिल्कुल बोगस इन्वेस्टिगेशन। और इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि जिन पुलिस अफसरों ने ये इन्वेस्टिगेशन किया उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनको उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग जिन्होंने उनको ये ऑर्डर्स दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में कि अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, इस कॉन्स्पिरेसी में जो पुलिस ने रची, जो पुलिस और उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने रची कि भाई तुम इन एक्टिविस्ट को फ्रेम करो, तुम इन मुस्लिम्स को फ्रेम करो और इन लोगों को जाने दो, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है तो इनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनका रोल साफ साफ आएगा, दिल्ली पुलिस सीधी अमित शाह के अंडर। तो कई चीजें होने की जरूरत है। एक तो खैर ये यूएपीए का कानून बिल्कुल गैर संवैधानिक है, इसको खत्म होना चाहिए। बहुत सारे रिटायर्ड जजेस ने हाल में एक सेमिनार में यह बात बोली थी कि बिल्कुल ये गैर संवैधानिक है, इसको खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, पुलिस रिफॉर्म जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे थे कई साल पहले, अब तो 15 साल हो गए, एग्जैक्टली 15 साल हो गए। 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ऑर्डर किया था कि ये सारे 6 तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट होने चाहिए और जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ये सारे जो ये पुलिस ऑफिसर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ऑफिसर्स और जो इनके पॉलिटिकल मास्टर जो इन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, इन सब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी।